तो फाइनली फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज तुम्हारा भाई सिखाने वाला कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ करने का सही तरीका, जो कि पूरे यूट्यूब पर आप लोग को कोई सही से बताता नहीं है। तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना बिना किसी स्किप के। और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग को आ जाना अपना गैलरी में, जिस भी फोटो को आप लोग को एडिट करना है उस फोटो को ले लेना और इसको शेयर करके लेके चलना है लेटरूम एप्लीकेशन में। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, हम लोग का जो फोटो है वो लेटरूम एप्लीकेशन में जा चुका है। तो फाइनली लेटरूम एप्लीकेशन में जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, पूरा बीच वाले से काट देना है, उसके बाद आ जाना आप लोग को अपना लेटरूम एप्लीकेशन में। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, आप लोग को लेटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा और फोटो का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, हम लोग का जो फोटो है वो लेटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है। तो फाइनली लेटरूम एप्लीकेशन में आ जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर एक तो आप लोग को प्रीसेट ढूंढ लेना है। इस प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जाके। तो इस वाला प्रीसेट को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो फाइनली ये वाला प्रीसेट ले लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर कॉर्नर में देखने को मिलेगा थ्री डॉट का आइकन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉपी सेटिंग ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ज्योमेट्री, मास्किंग, हील, ये सब को तीनों को टिक कर लेना है। उसके बाद राइट वाले पे क्लिक कर देना, क्रॉप को छोड़ देना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड हेरो का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को जिस भी फोटो को भी हम लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन में शेयर किए थे उस फोटो को आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। तो फाइनली उस फोटो को सेलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को फिर से थ्री डॉट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आबार आप लोग को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे पेज सेटिंग ऑप्शन, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ नीचे की साइड, तो आप लोग को पेज सेटिंग वाले पे क्लिक कर देना। तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा, आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, हम लोग का जो फोटो है एक ही क्लिक में कितना ही खतरनाक तरह से एडिट हो चुका है, ये देख सकते हैं हम लोग ओरिजिनल फोटो बिफोर एंड आफ्टर। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोटो में चेंजिंग आ चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर टू वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। इसको शेयर करके लेके चलना है फोटो रूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ सब थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगा, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, हम लोग का जो फोटो है वो फोटो रूम एप्लीकेशन में आ चुका है। तो फाइनली अगर आप लोग का भी फोटो रूम अपडेट नहीं होगा तो अपडेट कर लेना, वरना यहाँ से कट वाले पे क्लिक कर देना। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, हम लोग के सामने ढेर सारा इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो फाइनली आप लोग को क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ब्लर वाला ऑप्शन, तो उस पर टैप करना है आप लोग। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एडजस्ट वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सैचुरेशन वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है और इसको पूरा अमाउंट को, इसको सैचुरेशन को पूरा 100 कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वर्थम वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है और इसको पूरा माइनस कर देना आप लोग। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ह्यू का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है और इसको बड़ा घटा के देख लेना है आप लोग को। जिस भी कलर को रखना है उस कलर को रख लीजिएगा, तो इसमें कलर चेंज होता है। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग इसी को कलर, इसी कलर को रख लेते हैं। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को ऊपर की साइड देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पर नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है और इसको शेयर करके लेके चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, हम लोग का जो फोटो है वो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है और फोटो रूम का जो लोगो था वो भी आ चुका है। तो उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करना फ्रेंड, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड टूल्स का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हीलिंग का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से इसको जूम करके, इसको कुछ इस टाइप से लोगो जहाँ जहाँ है हम लोग का फोटो रूम का लोगो है वहाँ कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेना। और फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं, हम लोग का जो फोटो रूम का लोगो था वो एक ही क्लिक में कितना ही खतरनाक तरह से रिमूव हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना। उसके बाद आप लोग को फिर से नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा टूल्स वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फिर से जाना है डिटेल वाला ऑप्शन में, उस पर क्लिक करना है और इसको कुछ बढ़ा लेना है आप लोग को, सैचुरेशन को बढ़ा लेना है कुछ 50 के आसपास, शार्पनिंग को भी बढ़ा लेना है कुछ, इसको भी 25 के आसपास बढ़ा लेना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा राइट वाला ऑप्शन, तो उस पर आप लोग टैप कर देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है और इसको शेयर करके लेके चलना है ऑटोडेस स्केचबुक में, जो कि हम लोग को फोटो को स्मूथ करना है। तो
वो फाइनली फ्रेंड अगर पहले से कोई फोटो होगा ऑटोडेस्क स्केचबुक में तो आप लोग को यहाँ से डिसेबल कर लेना है। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का जो फोटो था वो ऑटोडेस्क स्केचबुक में आ चुका है। तो फाइनली ऑटोडेस्क स्केचबुक में आ जाने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 5वां नंबर वाला ब्रश वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है और थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है आप लोग को, और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्मार्ट ब्रश जो सेकंड नंबर वाला है नीचे की साइड, उसको ले लेना है आप लोग को। और इसका सेटिंग आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं आप लोग को फॉलो को रखना है 7 और स्ट्रेंथ को रखना है 9। उसके बाद साइज को आप लोग अपना फोटो के हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद साइड में टैप करना है जिसको जूम करके कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लेना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ इस वैसे आप लोग भी स्मूथ कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं कितना ही खतरनाक तरह से हम लोग का जो फोटो है वो स्मूथ हो रहा है। तो आप लोग भी कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लीजिएगा, तो आराम आराम से कीजिएगा, जितना ही आराम से कीजिएगा उतना ही सही होगा। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग आराम से कीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग का फोटो जो है कितना ही खतरनाक तरह से स्मूथ हो चुका है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्लस वाले पे क्लिक करके एक तो एम्प्टी लेयर बना लेना है। उसके बाद आप लोग को एम्प्टी लेयर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नॉर्मल वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद साइड में टैप करना है। उसके बाद आप लोग को आ जाना अपना कलर वाला ऑप्शन पे। उसके बाद आप लोग को इसको पूरा फर्स्ट नंबर वाला जो है इसको पूरा माइनस कर देना है, इसको कुछ बढ़ा देना है 85 के आसपास रख देना है। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को साइड में टैप करना है। उसके बाद आ जाना आप लोग को ब्रश वाला ऑप्शन पे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को मीडियम ब्रश ले लेना है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग को मार्क मार के दिखा दे रहे हैं, इसका सेटिंग आप लोग देख लीजिए। इसको ओपेसिटी को फुल कर देना है, साइज को आप लोग छोटा ही रखिएगा। उसके बाद साइड में टैप करना है और इसको कुछ जूम करके इस टाइप से अप्लाई कर लेना अपना फेस पे ड्रॉ कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग भी कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं कितना ही खतरनाक तरह से हम लोग को जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा था वो तो सब रिमूव हो रहा है। तो मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ वरना वीडियो हो जाएगा लंबा हो जाएगा, आप लोग आराम से कीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग को हो चुका है। तो इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को फिर से आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है आप लोग को। इस आप लोग को यहाँ पर फिर से सॉफ्ट लाइट वाले पे क्लिक करना है और इसको बढ़ा घटा के देख लेना है। आप लोग को जितना रखना है उतना आप लोग रख लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख ही सकते हैं हम लोग को ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, तो हम लोग कुछ 70 के आसपास रख लेते हैं। तो फाइनली इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग को फिर से साइड में टैप करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिर से प्लस वाले पे आप लोग को क्लिक करना और फिर से एक टू एम्प्टी लेयर बना लेना। उसके बाद फिर से एम्प्टी लेयर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को फिर से नॉर्मल वाले क्लिक करना है, इसको भी कर देना है सॉफ्ट लाइट जैसे कि देख सकते हैं। उसके बाद फिर से साइड में टैप करना है। उसके बाद फिर से कलर वाले ऑप्शन पर आ जाना आप लोग को और इस बार अगर आप लोग को ले लेना है रेड कलर पिंक कलर ले लेना आप लोग को। उसके बाद फिर से साइड में टैप करना है, ब्रश वही रहेगा, आप लोग सिर्फ साइज को छोटा कर लेना है। उसके बाद अगर आप लोग को लिप्स में ड्रॉ कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ उस हिसाब लोग भी कर लीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग लिप्स जो है कितना ही खतरनाक तरह से टेक्सचर जो है ऐड हो रहा है। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं हम लोग को चुका है, तो कुछ ज़्यादा ही लाइट लग रहा है, इसको कम करना है। तो उसके लिए क्या करना है फ्रेंड, आप लोग जैसे लेयर वाले ऑप्शन पे आप लोग को जाना है, फिर से सॉफ्ट लाइट वाले पे क्लिक करना है, इसको आप ओपेसिटी कुछ कम कर देना जितना आप लोग को सही लगे। मैं कुछ 40 के आसपास रख दे 30 के आसपास रख देता हूँ। तो फाइनली फ्रेंड इतना कर लेने के बाद क्या करना फ्रेंड, आप लोग फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है आप लोग को।
उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है आप लोग को। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेव टू डिवाइस वाला ऑप्शन, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उसके बाद सेव वाले पे क्लिक कर देना है।